नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय 17 आरबी रायसेनगर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जेआर कड़ेला, अपनी ज्योग्राफी की क्लासें चल रही है। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे दीप अमन एजुकेशन जो हमारा चैनल है, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर कीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारी जो ये क्लासें हैं महाविद्यालय स्तर की तो है ही, इसके साथ साथ वर्तमान में जो भर्तियां आ रही है या जो कोई भी किसी भी, चाहे राजस्थान सरकार की हो या सेंट्रल सरकार की हो, किसी भी प्रकार की कोई भर्ती आ रही हो, उसमें जीके के लिए भी बहुत प्रभावपूर्ण है। इसमें क्या है कि जैसे हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, इंडिया ज्योग्राफी की या वर्ल्ड ज्योग्राफी की या ज्योग्राफी खुद से एक सब्जेक्ट की, तो आपको वो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ आपको अपने कह सकते हैं पूरे एक सब्जेक्ट के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हो तो आप अपना वीडियो, ये नहीं कि आज आपके पास वीडियो आया है और आप उसको खोल के बैठ गए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ और उसको एक नए माने शुरुआत से देखो। 4-5 वीडियो है, ये नहीं कि आपका चौथा वीडियो सीधा ही देखने लग गए। इसमें आप फर्स्ट वीडियो से देखो लास्ट वीडियो तक, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जो आपका सिलेबस है वो समझ में नहीं आ रहा, या आप कहाँ से कराते हो, हमें टॉपिक नहीं मिलता। तो मैं एक ही बात कहता हूँ बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ ना, वही तो टॉपिक है ना, कि मैं आपको कौन सा टॉपिक करवा रहा हूँ। सबसे पहले जब मैं शुरू करता हूँ क्लास तो ये कहता हूँ कि आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो वो टॉपिक तो मैं बता रहा हूँ, तो उसके बाद वो टॉपिक है। आप ये मत देखिए क्लास कौन सी है, ठीक है, आप अपना टॉपिक पे ध्यान दो कि आज आपको नदियाँ कराई जा रही है, तो नदियाँ पकड़ो और नदियों को पूरे पहले वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखो, उसको रोक रोक के और उसको समझ समझ के देखो, साथ में नोट्स भी बनाओ ताकि आपको इसका परिपूर्ण जो आपको फ़ायदा है वो हो सके। ठीक है, आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं उस क्लास के बारे में बात शुरू करें, तो देखिए आज हमारी जो क्लास है वो है बीए थर्ड ईयर की है, प्लस में बीएड थर्ड ईयर और प्लस में एमए फाइनल की क्लास होने जा रही है। देखिए इन तीनों क्लासों में एक हमारी कॉमन बुक चल रही है, जो कॉमन है बुक, वो कॉमन बुक चल रही है और उस बुक का नाम है भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमने इसमें सामान्य परिचय कर लिया और उसके बाद हमने उसके भौतिक प्रदेश कर ले, और आगे हमारी जो क्लास चल रही थी वो हम पढ़ रहे थे भारत का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे भारत का अपवाह तंत्र, या इसको शॉर्ट शब्दों में कह सकते हैं नदियां, भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए हमने जो हमारी जो कल क्लास हुई थी भारत में नदियों की, जो बात कर रहे थे और भारत की नदियों में मैंने आपको नदियों की परिभाषा की, सहायक नदी कौन सी होती है, मुख्य नदी कौन सी होती है, एक नदी का सबसे छोटा जो रूप होता है कतरा होता है, सबसे एक प्रारंभिक जो बिंदु से नदी का जल पिघल कर चलना शुरू होता है, एक नालीनुमा जो होता है उसे कहते हैं कतरा। कई कतरे आपस में मिलकर एक दरिया का निर्माण करते हैं, और एक दरिया का जो होते हैं कई दरिया आपस में मिलकर एक नदी का निर्माण करते हैं। तो देखिए वो एक अपने धारा कह सकते हैं, धारा जिसे है ना कि जैसे चंद्र और भागा दो धाराएं आकर मिलती है, ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी दो धाराएं आके मिलती है, तो दो धाराएं होती है, धारा जो होती है कई धाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, और कई नदियां मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो नदियां हैं, भारत की नदियों को अगर अपने अध्ययन करते हैं तो भारत की जो भौतिक बनावट है वो भिन्न भिन्न प्रकार से है, इसलिए भारत की नदियों को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, उसको अलग अलग वे में पढ़ा जा सकता है। तो मैंने भारत की नदियों को दो भागों में बांटा था, एक तो हमने बांटा था कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरी हमने बांटा था प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, उस नदियों में हमने क्या किया था, हिमालय से निकलने वाली नदियों को हमने तीन भागों में बांटा था। एक बांटा था
प्रायद्वीपीय हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन भागों में बंटा था, एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हमने बात की थी अपने गंगा नदी तंत्र, और तीसरा हमने जो बात की थी वो था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए नदी तंत्र, आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है, प्रमुख नदी कौन सी है, तो हम ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सिंधु नदी में, देखिए सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी जो है वो मुख्य है, गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी मुख्य है, और ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र नदी है जो मुख्य है। उसके बाद हम बात करते हैं, इस हिमालय से निकलने वाली नदियों को हमने तीन प्रकार से पढ़ा था, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद आज जो हमने शुरू किया था वो किया था, एक एक को पढ़ना था इसलिए हमने सिंधु नदी तंत्र शुरू कर रखा है। इसी सिंधु नदी तंत्र को आगे बढ़ाते हैं आज और बात करते हैं उसी क्लास के ऊपर। तो देखिए आज हेडिंग लगाओ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए और जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे उसको लिखते जाइए। देखिए सिंधु नदी तंत्र, लिखिए सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। देखिए इसमें क्या होता है, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु व सिंधु की सहायक नदियां आएगी, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां आएगी, ठीक है। आगे देखो सिंधु और सिंधु की सहायक नदी आएगी, आगे देखो हम बनाते हैं भारत, सॉरी और देखिए ठीक है, ये है तिब्बत के अंदर, तिब्बत चीन का क्षेत्र है, तिब्बत के अंदर, तिब्बत चीन के अंदर एक मान सरोवर नामक जगह है, मान सरोवर नामक एक जगह है, झील इसको कहते हैं मान सरोवर झील। सबसे पहले अपने सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं, देखिए सिंधु नदी तंत्र में सबसे मुख्य जो नदी है वो सिंधु नदी मुख्य है, इसमें मुख्य नदी क्या है, सिंधु है। कहने मैंने कल बताया था आपको मुख्य नदी का अर्थ होता है कि वे नदियां जो अपने जल को सागर या महासागर तक लेके जाती है वो उसकी मुख्य नदी है, और मुख्य नदी होगी इस तंत्र की पूरे की मुख्य नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। उसके बाद करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, एक मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें तीन पूर्ववर्ती नदी है, तीन नदियां क्या है, पूर्ववर्ती नदी। इसमें तीन नदियां क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का अर्थ है कि वे नदियां जिनके ऊपर उच्चावच का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो जहां थी वो वहां चल रही है, चाहे कोई भी वहां उच्चावच आया हो, चाहे कोई भी अंतर्जात बल लगा हो, लेकिन उन नदियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे पूर्व में बहती थी वैसे आज बह रही है, उन नदियों को कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। देखिए पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी है, एक है पूर्ववर्ती नदी सिंधु, सिंधु क्या है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। दूसरी नदी कौन सी है, सतलज, ये कौन सी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। और तीसरी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों ही क्या है, पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी का अर्थ हो गया इसमें कि यहां जो हिमालय बना था, ये हिमालय बनने से पहले ही यहां पर क्या थी, ये नदियां थी, हिमालय में उच्चावच हुए, हिमालय बना, लेकिन वो नदियां पहले ही यहां बहती थी। यहां ये जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है, और सिंधु नदी जो है वो यहां ऐसे बहती है, ठीक है, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जो है हिमालय से पूर्व की है, हिमालय बनने से पूर्व में ये सिंधु नदी यहां बहती थी, और सिंधु नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है।
ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से निकलती है सतलज नदी। क्या निकलती है? सतलज नदी। और ये जो सतलज नदी है ये क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। सतलज, सतलज नदी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। एक यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये भी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। माने इसके उच्चा, इस इन नदियों पर उच्चावच का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगर उच्चावच उठा है तो ये इसने उसको काट कर इतना काटा कि वो नदियां अपने मूल मार्ग को पकड़े रखा, उसने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, चाहे कितना भी उच्चावच हुआ हो। और गहरी जो गोर्ज का निर्माण करके, घाटियों का निर्माण करके उसको काट कर वो नदियां अपने मूल मार्ग पर बहती गई। तो वो थी पूर्ववर्ती नदियां। तो मैंने बता दिया पूर्ववर्ती नदी, इसमें तीन नदी है, एक सिंधु नदी है, एक सतलज नदी है और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तीनों क्या है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। और आपको बता दिया पूर्ववर्ती नदी का अर्थ होता है कि जिस नदियों पर उच्चावच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उच्चावच चाहे बढ़े लेकिन उसको वो काट कर अपना मूल मार्ग नहीं छोड़ती और अपने मूल मार्ग पर बहती है, वो पूर्ववर्ती नदी है। जिस चीज़ के बढ़ने से, जैसे हिमालय के बढ़ने से पहले की नदियाँ जो बह रही है वो पूर्ववर्ती नदी है। आगे दूसरी बात हम करते हैं, पूर्ववर्ती नदी हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु मुख्य सहायक नदी है और इसकी अन्य कई नदियां हैं। दूसरी बात करते हैं, सिंधु का जो उद्गम होता है वो मानसरोवर झील के पास एक चोमू डुंगलुंग